सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल SI लर्निंग पे बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 4.2 को हम लोग पूरा बनाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना है तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपका उसमें जो क्वेश्चन है, यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्चुअली है क्या क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 4.2 में। इससे पहले मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज डाला हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल में वह वीडियोस है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करेंगे। इसमें जो पूछ रहा है कि गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। जो मूल होता है उसको अगर हम मान रखेंगे तो समीकरण का वैल्यू जीरो आता है। जिसका मान जीरो आ गया समझ लेंगे कि ये इसका मूल है, बनाया गया तरीका भी हमारा सही है। तो आइए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x²-3x-10=0। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया हुआ कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इसमें क्या है कि थर्ड टर्म को और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके बाद जो सेकेंड टर्म है उसको प्लस और माइनस करके इस हिसाब से बनाया जाता है कि इसके इक्वल टू हो जाए। आप यहां भी देखिए, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो -10 × 1 -10 हो गया। यहाँ का -10, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसमें हमको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से करना है कि -3 आ जाए और गुना करने के बाद 10, तो 5 और 2, तो 5 और 2 को जब हम करेंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा और 5 × 2 = 10 बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर -3x है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, x²-5x + 2x - 10 = 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, x - 5 + 2 कॉमन लेंगे, x - 5 = 0। ये ब्रैकेट हमेशा बराबर होना चाहिए, अगर ब्रैकेट बराबर नहीं होगा तो आपके द्वारा बनाया गया प्रश्न सही नहीं है। तो इन दोनों सेम ब्रैकेट में से एक को हम बाहर निकाल लेंगे, x - 5, और जो बचता है उसको लिख देंगे। क्या बच रहा है, x और +2 हमने लिख दिया। फिर यहां पर लिखेंगे यदि x - 5 = 0 तो x का वैल्यू 5, और पुनः x + 2 = 0 तो x का वैल्यू -2। तो निश्चित रूप से 5 और -2 इसका क्या होगा, आपको मूल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 100x²-20x + 1 = 0। ये तो इसमें हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होता है, और किस दो डिजिट को हम जोड़ेंगे कि 20 हो जाए और गुना करेंगे के बाद वह 100 हो जाए, तो 10 और 10। तो 100x²-10x - 10x + 1 = 0। 10 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 10x - 1, और यहां पर यदि हम -1 कॉमन लेते हैं तो 10x - 1 = 0। तो ये दोनों ब्रैकेट में मिल रहा है, 10x - 1 और 10x - 1, ये दोनों सेम है तो दोनों का रिजल्ट भी सेम आएगा। इसलिए हम जो है इसमें से एक ले लेते हैं, 10x - 1 = 0, सो 10x = 1, इसलिए x = 1/10। ये आपका आंसर हो गया। और इसमें अब 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको स्वयं करना है, अगर नहीं बने तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, उसके हिसाब से आप आगे बनाइए। अब हम इसके जो है लाइनिंग वाले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। लाइनिंग वाला जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, या फिर इस वीडियो में आपको कहीं कुछ पूछना है या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो निश्चित रूप से आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसी 2 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब जो लगातार चलता हो एक दूसरे के बाद का, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो हम मान लेते हैं कि माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1 लगातार है तो हमने मान लिया। अब यहां पर एक चीज है कि इस दोनों का योग 27 है,
ये जो हम माने हैं, ठीक है, अब कह रहा है कि इनका योग है 27। 27 योग कहने का मतलब हो गया कि योग 27 होगा कब, जब आपका एक संख्या हो जाए x और दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इस चीज को बढ़िया से हमको समझना है, ठीक, कि एक x हो जाएगा और दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इस चीज को हम लोग समझ गए हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारा यह आंसर बन जाएगा। तो इसके में जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि माना कि पहली क्रमागत संख्या x, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो क्रमागत संख्या निकालिए जिसका गुणनफल 27 हो और जिसका योग 27 हो और गुणनफल हो आपको 182। तो योग 27 होने का मतलब है कि ऐसी दो संख्या जब होगी जब उसका योग 27 होगा। तो इस कंडीशन में देखिए कि अब हम इस दोनों संख्या को जोड़ते हैं x जोड़ 27 माइनस एक्स, इस कंडीशन में यह माइनस एक्स और माइनस एक्स कटता है तब जाकर के हमारे पास 27 योग आता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि इसका जो योग है 27, इन दोनों संख्या जो है इसका योग कर रहा है 27। तो प्रश्न से एक्स जोड़ वन बराबर 27, 2x प्लस 1 बराबर 27, 2x बराबर 27 माइनस 1, 2x बराबर 26, इसलिए x बराबर 26 बटे 2 यानी कि 13। एक आंसर आपका आ गया 13, मतलब क्रमागत की पहली संख्या बराबर 13 और आपको दूसरी हो जाएगी कितनी, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो ये अगर 13 है तो ये ऑटोमेटिक 14 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि x का मान है 13 प्लस 1 बराबर 14। क्लियर है, ओके। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसका आगे कह रहा है कि गुणनफल 182 है, गुणनफल 182 है, उसके आधार पर भी बन सकता है x और x प्लस 1 बराबर 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। और फिर आप इसको यहां से समीकरण तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 13 और 14 को आप लोग गुना कर लीजिए, 182 होता है। तो फिर यहां से आपका जो मान होगा निश्चित रूप से 13 आएगा, क्योंकि 14 का वैल्यू माइनस 14 में आ जाएगा, 13 और 13 के बाद ठीक यहां पर 14। तो 13 और 14 दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको जोड़ने के बाद 27 आता है और इसका गुणनफल 182 होता है। आप करके देख लीजिए, मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पता करना है जिनके वर्गों का योग 165 है। क्रमागत में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लगातार वाली जो संख्याएं होती है वो संख्या क्रमागत की संख्याएं होती है। तो उसमें अगर हम एक संख्या को x मानते हैं तो निश्चित रूप से दूसरी वाली संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, x प्लस 1 मानेंगे। तो क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि तो माना कि थर्ड नंबर क्वेश्चन माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1, ओके, लगातार में है और कह रहा है कि इन दोनों के वर्ग, मतलब इसका और इसका दोनों का वर्ग हम यहां लिख देते हैं प्रश्न से और क्लियर लिख देंगे, दोनों के वर्गों का योग, दोनों को मैंने वर्ग कर दिया है मतलब स्क्वायर कर दिया और उसका योग कह रहा है 365 हो, 365। तो बनाइए एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। तो ये हो गया आपको 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। यहां पर एक 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 से हर एक में डिवीजन लग सकती है तो 2 कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 82, 182 0 बाय 2 हो जाएगा क्योंकि 2 हमने यहां कॉमन लिया है, 2 गायब 0 बाय 2। तो आंसर भी आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसको हमको हल कर देना है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर जीरो, इसको हम तोड़ेंगे और निश्चित रूप से जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर जीरो। ओके, एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 14, 13 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 14, ये देखो बीच में मिल गया एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13। फिर से वही प्रक्रिया, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, पुनः x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। देखिए इसमें भी एक मान 13 और एक मान 14 आता है, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में एक मान 13 और एक मान 14 आया था। ठीक है, तो आप इसको उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये समकोण त्रिभुज होता है। अगर हम नाम देते हैं ए बी सी, तो ये समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो इसमें कुछ रिलेशन भी होते हैं, कुछ संबंध भी होता है, जहां से फॉर्मूला निकलता है उस पर हम लोग जरा एक नजर ले लेते हैं। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्ग का योग होता है। यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है उसके दोनों भुजाएं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर में होगा। यदि हम यहां पर स्क्वायर हटाते हैं तो कर्ण बराबर अंडर रूट स्क्वायर चल जाता है, लंब का स्क्वायर जोर आधार का स्क्वायर। ओके, दूसरी प्रक्रिया जो है आपके पास वो है लंब। लंब का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा जो है आधार, इसका फॉर्मूला अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बेसिक रूप से आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, काफी काम पड़ता है इसका, त्रिकोणमिति में भी काम पड़ता है, क्षेत्रमिति में भी काम पड़ता है और यहां तो काम पड़ ही गया है। तो निश्चित रूप से हम लोग बच्चों इस चीज को याद रखेंगे और लिखेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो पहले हमको आधार मानना पड़ेगा, तब उससे ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर हम कम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में माना कि समकोण त्रिभुज का जो है आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब जो है ऊंचाई हो जाएगा, आपको ऊंचाई कह रहा है कि उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। आगे बढ़िए, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, दिया गया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अभी मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं यानी कि आपको आधार का स्क्वायर और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तो समकोण त्रिभुज अगर ये है तो इसकी ऊंचाई h ये हो गई हाइट, तो आधार प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार है आपको x और ये हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर, या इसको हम पलट भी सकते हैं अपने सहूलियत के लिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। आप बनाते जाइए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। x माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तब देखिए 2x स्क्वायर 14x
टू एक्स स्क्वायर आपको ये हो गया माइनस 14x प्लस 49 में से 169 घट करके यहां पर आपको जीरो आएगा। तो ये प्रक्रिया जो है बराबर के उस साइड वाले को हम इधर अगर घटाएंगे तो ये इस तरह से आ जाता है, तब हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, इसमें से घट के 120 बराबर जीरो। अब आप यहां पर प्रक्रिया कर सकते हैं। और एक और चीज है कि यहां पर 2 है, यहां 14 है और यहां 120 है, तो 2 से इसमें भाग लग सकता है सब में, तो हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर जीरो। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर जीरो। ओके, अब हम यहां बनाते हैं। अब यह देखिए ये 60 हो जाएगा और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 के बाद क्या है कि आपको माइनस 7 भी आना चाहिए, तो 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x सॉरी प्लस 5x माइनस 60 बराबर जीरो। एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो एक्स माइनस 12, ये देखिए ब्रैकेट सेम है, एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 5। यदि x माइनस 12 बराबर जीरो तो x बराबर 12, पुनः x प्लस 5 बराबर जीरो x बराबर माइनस 5, ये दो आंसर आपको आ रहा है, एक का वैल्यू 12 और एक का वैल्यू माइनस 5। तो माइनस 5 तो लंबाई चौड़ाई कहीं होगा नहीं, तो इसको जो है हम लोग अमान्य घोषित करते हैं और बचता है आपको 12, तो आधार हो गया 12 और इसकी जो ऊंचाई होगी x में से 7 घट गया है और x का वैल्यू है 12, यानी कि 12 में से 7 घट गया है, 12 में से 7 घट गया तो हो गया 5। तो ये, और इसका जो कर्ण है वो 13 दिया गया है। अब यहां पर एक चीज हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि जैसा सॉरी जैसा कहा गया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा 13 का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं जो हमारे पास वैल्यू निकला है उसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो 13 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 12 को 2 बार करेंगे 144 प्लस 5 को करेंगे तो 25, 169 इसको जोड़ेंगे तो 169। ये देखिए स्पष्ट हो गया कि कर्ण का स्क्वायर जो है बाद बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए ठीक, इसको देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग मतलब लघु उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, ओके, और उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक, मतलब एक दिन में जितना बर्तन का निर्माण करता है उसी दिन में उससे दुगुना, मतलब टोटल निर्माण किए बर्तनों की संख्या को 2 से गुना करके उसमें 3 जोड़ देंगे तो नग बनाता है, और बर्तनों की कुल निर्माण की लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का जो है आपको वैल्यू बताना होगा। ठीक है, ये है आपको लास्ट क्वेश्चन है इसमें। तो आइए हम लोग मानते हैं कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है, ओके, बर्तन की संख्या को हम लोग x मानते हैं और नग जो कहता है नग की जो संख्या है नगों की संख्या, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दुगुना यानी कि 2x से कितना अधिक है, दुगुना, तो हम इसको अगर x माने तो निश्चित रूप से दुगुना में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, दुगुने से 3 अधिक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से जब करेंगे तो कह रहा है कि टोटल लागत जो है वह 90 रुपया, यानी कि x और 2x प्लस 3 बराबर 90, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0,
90 दुना 180 होता है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो 2x स्क्वायर 12 और 15 180 होता है, तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। आइए हम लोग यहां पर जो है देखिए, 15 में से अगर 12 को हम लोग घटाते हैं तो 3 बचता है, और 15 और 12 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आराम से 180 हो जाएगा। तो इसमें से हम x को मान लेते हैं, तो 2x प्लस 15 बचेगा, और यहां पर अगर हम माइनस 6 को मान लेते हैं तो 2x प्लस 15 बचेगा, क्योंकि माइनस 6 अगर हम को मान लिए तो 12 2 से आ जाएगा और 15 छके 90 आ जाएगा। ये देखिए दोनों बराबर हो गया है, 2x प्लस 15 और बचा क्या है x और माइनस 6। फिर यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, इसलिए x बराबर माइनस 15 बाय 2, और पुनः जो है आपको है x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो बर्तनों की संख्या क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है कि प्रत्येक नग का लागत बताइए, तो लागत जब हम बताएंगे तो निश्चित रूप से मान माइनस में नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी चीज का दाम माइनस में नहीं आ सकता है, तो ये आंसर हमारे लिए वैध नहीं है। तो बच गया ये 6, तो 6 लेकर के अगर हम इसको मानते हैं बर्तनों की संख्या 6, तो नगों की जो संख्या है वो कुछ 6 × 2 = 3, 36 × 12 = 3 = 15, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.2 समाप्त हो चुका है। यह वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप इसी तरीके से निरंतर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th में और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके ठीक बाद 4.2 के बाद जो एक्सरसाइज होगा उसका वीडियो आपको डाला जाएगा। और साहब अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं मेरे इस चैनल को, बेल आइकन को दबा लेते हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।